वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज। और फिर से हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने जा रहे हैं, और हमेशा की तरह मैं इसे ट्रांसलेट करूंगा हिंदी में। तो बढ़ते हैं इसके हेडलाइन की ओर। हेडलाइन है घोरी थ्रेटन्स डीरेलमेंट्स। देखिए घोरी थ्रेटन्स, तो घोरी ने क्या किया, थ्रेटन किया। थ्रेटन का मतलब होता है डराना, धमकाना, है ना। तो डराया या धमकाया किस चीज़ का, डीरेलमेंट्स का। देखिए डीरेलमेंट का क्या मतलब होता है, ट्रेन का पटरी से उतर जाने की घटने को डीरेलमेंट कहते हैं, है ना। तो घोरी ने धमकी किस चीज़ की दी, डीरेलमेंट की, देखिए ट्रेन को पटरी से उतार देने की, है ना। ये हो गया गाइस इसका हेडलाइन। अब इसको अच्छे से समझने के लिए वी हैव टू गो टू द मेन न्यूज़। तो यहाँ से देखते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज इन इंडिया आर ऑन हाई अलर्ट आफ्टर फरातुल्ला घोरी 58 अ पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट पोस्टेड अ वीडियो ऑन टेलीग्राम एग्जॉर्टिंग हिज फॉलोअर्स टू कैरी आउट अ लार्ज स्केल ट्रेन डिरेलमेंट्स इन दिल्ली मुंबई एंड अदर इंडियन सिटीज़। इतना समझते हैं। देखिए जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है कहाँ पे, इन इंडिया। तो इंडिया में जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है आर ऑन हाई अलर्ट। तो ये जो एजेंसीज है ये क्या है, ऑन हाई अलर्ट, तो हाई अलर्ट में है। आफ्टर का मतलब होता है इस बात, तो बात किसके, फरातुल्ला घोरी, जो कि इसका एज बताया जा रहा है 58, जो कि कौन है, अ पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट है, मतलब कि पाकिस्तान में लाइक यू नो वहाँ पे उसका बेस है, है ना, मतलब कि वहीं का है। तो पाकिस्तान बेस्ड जो टेररिस्ट है, मतलब कि आतंकवादी है, इसने क्या किया, पोस्टेड अ वीडियो। तो एक वीडियो पोस्ट किया कहाँ पे, ऑन टेलीग्राम, तो टेलीग्राम में पोस्ट किया। एग्जॉर्टिंग हिज फॉलोअर्स, तो एग्जॉर्ट करते हुए, एग्जॉर्ट का मतलब होता है किसी को स्ट्रांगली इंकरेज करना, मतलब कि प्रेरित करना कुछ करने के लिए। तो यू नो वीडियो पोस्ट किया एग्जॉर्ट करते हुए, मतलब कि प्रेरित करते हुए, इंकरेज करते हुए, हिज फॉलोअर्स, तो उसके फॉलोअर्स को क्या करने के लिए, कैरी आउट करने के लिए। देखिए कैरी आउट का मतलब होता है गाइस किसी टास्क को पूरा करना, है ना, किसी काम को कार्यान्वित करने को कैरी आउट करना कहते हैं। तो कैरी आउट क्या, लार्ज स्केल, तो बड़े स्केल में, मतलब कि बड़े स्तर में ट्रेन के डीरेलमेंट्स को कैरी आउट करने के लिए, मतलब ट्रेन को पटरी से निकालने का जो यू नो काम होता है उसको करने के लिए। कहाँ पे, इन दिल्ली, तो दिल्ली में, मुंबई में, एंड अदर इंडियन सिटीज़, और अन्य जो इंडियन सिटीज़ है वहाँ पे। फिर से समझते हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है इंडिया में वो हाई अलर्ट में है। किसके बाद, आफ्टर जो फरातुल्ला घोरी, जो कि 58 ईयर्स का है, जो कि एक पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट, मतलब कि आतंकवादी है, इसने क्या किया, जब इसने पोस्ट किया एक वीडियो को टेलीग्राम में, एग्जॉर्ट करते हुए, मतलब कि इंकरेज करते हुए, प्रेरित करते हुए, उसके फॉलोअर्स को क्या करने के लिए, कैरी आउट करने के लिए, कार्यान्वित करने के लिए, एक लार्ज स्केल में, मतलब कि बड़े स्तर में ट्रेन का डीरेलमेंट्स, कहाँ पे, दिल्ली में, मुंबई में, और अन्य जो इंडियन सिटीज़ है वहाँ पे। इंसाइटिंग जिहादीज टू डिस्टर्ब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स एंड अटैकिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर टू क्रिएट वाइड स्प्रेड क्योस घोरीज मैसेज इंक्लूड्स एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन टू अटैक पेट्रोल पाइपलाइंस एंड लॉजिस्टिक्स चेन्स रिफ्लेक्टिंग हिज इंटेंट टू सिग्निफिकेंटली अंडरमाइन इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए इंसाइटिंग, तो इंसाइट करते हुए, इंसाइट का मतलब होता है किसी को उकसाना या भड़काना कुछ करने के लिए। तो इंसाइट किसको करते हुए, उकसाते हुए, किसको, जिहादिस्ट को इंसाइट करते हुए, क्या करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए। डिस्टर्ब का मतलब होता है किसी काम में रोड़ा डालना या बाधा डालने को डिस्टर्ब करना कहते हैं। तो क्या डिस्टर्ब करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स को, एंड और साथ ही अटैक करने के लिए किस चीज़ को, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को। क्रिटिकल का मतलब होता है इस इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है किसी कंट्री का जो बुनियादी ढांचा होता है जिससे कंट्री रन करता है, जैसे कि यू नो सड़क हो गए, हाईवेज हो गए, है ना, बड़ी बड़ी इमारतें हो गए, वो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी कंट्री का, है ना। तो जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अटैक करने के लिए, टू क्रिएट, ताकि क्रिएट किया जा सके, मतलब कि पैदा किया जा सके वाइड स्प्रेड क्योस को। वाइड स्प्रेड का मतलब होता है इस व्यापक या बड़े पैमाने में, जो क्योस है, क्योस का मतलब होता है इस उथल पुथल या अनार्की, अ स्टेट ऑफ अनार्की इज कॉल्ड क्योस, है ना। तो क्या क्रिएट करने के लिए, वाइड स्प्रेड, मतलब कि बड़े पैमाने में क्योस, मतलब कि उथल पुथल को क्रिएट करने के लिए, है ना। तो ऐसा इंसाइट करते हुए घोरीज मैसेज, घोरी का जो मैसेज है, इंक्लूड्स, इसमें इंक्लूड है, मतलब कि इसमें शामिल है। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है गाइस, देखिए अगर कोई चीज एक्सप्लिसिट है, है ना, तो वो बहुत ही साफ सुथरा है, मतलब कि साफ साफ है, उसको आप क्लियरली यू नो पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तो घोरी का मैसेज क्या है, इंक्लूड करता है, शामिल है, एक्सप्लिसिट, मतलब कि साफ साफ इंस्ट्रक्शन शामिल है। इंस्ट्रक्शन का मतलब है निर्देश, निर्देश किस चीज का,
टू अटैक, तो अटैक करने का किस चीज़ को, पेट्रोल पाइपलाइंस को, और जो लॉजिस्टिक चेन्स है, लॉजिस्टिक का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, है जिसमें गुड्स को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो जो लॉजिस्टिक चेन्स है उसको अटैक करने के लिए, है ना। तो रिफ्लेक्टिंग हिज इंटेंट, तो इस चीज में उसके मैसेज में ये रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट का मतलब है कि दिखाई पड़ना, तो दिखाई देता है हिज इंटेंट, तो उसका इंटेंट दिखाई देता है, उसका इरादा दिखाई देता है। क्या अब इरादा क्या करने का है, सिग्निफिकेंटली का मतलब है बड़े पैमाने में अच्छे खासे तौर में अंडरमाइन करने का इंटेंट है। अंडरमाइन का मतलब होता है किसी चीज को कमजोर करके उसको क्षति पहुंचाने को, अंडर मतलब क्षति पहुंचा के किसी चीज को कमजोर करने को अंडरमाइन करना कहते हैं। तो उसका इंटेंट क्या है, सिग्निफिकेंटली मतलब अच्छे खासे रूप से अंडरमाइंड करने का इंटेंट है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को। फिर से समझते हैं, देखिए इंसाइट करते हुए मतलब उकसाते हुए जिहादीज को क्या करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए मतलब बाधा डालने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स को, और साथ ही इंसाइट किया क्या करने के लिए, अटैक करने के लिए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, ताकि क्रिएट किया सके मतलब पैदा किया जा सके बड़े पैमाने में कियोस मतलब उथल पुथल को। तो ऐसा इंसाइट करते हुए घोरी का जो मैसेज है इसमें इंक्लूड है साफ साफ इंस्ट्रक्शन में कि साफ साफ निर्देश शामिल है अटैक करने का पेट्रोल पाइपलाइंस को, लॉजिस्टिक चेन्स को, है ना। इससे ये रिफ्लेक्ट होता है, इससे ये दिखाई देता है उसका इंटेंट, उसका इरादा दिखाई देता है, जो कि किस चीज का इरादा है, सिग्निफिकेंटली मतलब अच्छे खासे रूप से अंडरमाइन करने का मतलब कि कमजोर करने का इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को। वन ऑफ इंडियाज मोस्ट वॉन्टेड टेररिस्ट फारातुल्ला घोरी, हु इज ओरिजिनली फ्रॉम तेलंगाना, स्टेटेड द इंडियन गवर्नमेंट इज टारगेटिंग आवर प्रॉपर्टीज थ्रू EDN NIA, but we will remain steadfast and use our power sooner or later. देखिए वन ऑफ इंडियाज मोस्ट वॉन्टेड टेररिस्ट, तो इंडिया के मोस्ट वॉन्टेड टेररिस्ट में से एक फारातुल्ला घोरी जो है, हु इज़, जो कि ओरिजिनली कहाँ से है, फ्रॉम तेलंगाना से। तो इसने क्या किया, स्टेट किया, स्टेट का मतलब है इस कुछ कहना या बोलना या बताना, है ना, या बयान देने को स्टेट करना कहते हैं। तो इंडिया का मोस्ट वॉन्टेड टेररिस्ट में से एक जो टेररिस्ट है फारातुल्ला घोरी, जो कि ओरिजिनली कहाँ से है, फ्रॉम तेलंगाना से है, तो उसने क्या किया, स्टेट किया, लेकिन ये स्टेटमेंट दिया द इंडियन गवर्नमेंट की, जो इंडियन गवर्नमेंट है इस टारगेटिंग, वो क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है आर प्रॉपर्टीज, तो हमारे प्रॉपर्टीज़ को टारगेट कर रहा है थ्रू का मतलब है कि किसी के जरिए, तो ईडी के जरिए और एनआईए के जरिए, बट लेकिन वी विल रिमेन, तो हम रहेंगे, रिमेन का मतलब होता है कि किसी स्थिति में बने रहना, तो क्या स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट का मतलब होता है गाइस यू नो अडिग या अटल, है ना, किसी चीज़ में अड़े रहना, तो हम अड़े रहेंगे एंड यूजर्व, और यूजर्व कर लेंगे। देखिए यूजर्व का मतलब होता है किसी चीज़ को हड़प लेना या छीन लेने को यूजर्व करना कहते हैं ना। तो वी विल रिमेन, तो हम बने रहेंगे स्टेडफास्ट, मतलब गाइस यू नो अड़े रहेंगे और यूजर्व कर लेंगे पावर को सूनर और लेटर, मतलब कि जल्द ही, सूनर और लेटर मतलब कभी ना कभी, सूनर और लेटर का मतलब होता है गाइस कभी ना कभी, क्या कर लेंगे, पावर को हम छीन लेंगे। The reference is apparently to wakf properties whose management is being sought to be regulated by the Modi government through a bill introduced recently in Parliament. देखिए the reference, तो ये जो reference है, reference का मतलब है किसी चीज़ का संदर्भ या किसी चीज़ के बारे में उल्लेख जो होता है उसको reference बोलते हैं। तो इस चीज़ का जो reference है is वो है apparently का मतलब है जाहिर तौर पे। किस चीज़ का reference है, to wakf प्रॉपर्टीज़ के रेफरेंस में है, हुज, अब देखिए ये जो वर्क प्रॉपर्टीज़ है इसके लिए हुज लगा है, जिसका जो मैनेजमेंट है इज़ बीइंग सॉर्ट, उसको बीइंग सॉर्ट किया जा रहा है। देखिए सीक का कई मीनिंग होता है गाइस, और सीक का एक जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है किसी चीज़ को करने का प्रयास करना, है ना, उसको सीक करना कहते हैं, और सीक का थर्ड फॉर्म होता है सॉर्ट, और यहाँ पे जो है ये क्या है, पैसिव वॉइस है ना। मतलब कि ये जो रेफरेंस है ये जाहिर तौर पे किसका रेफरेंस है, वर्क प्रॉपर्टीज़ का, हुज मैनेजमेंट, जिसका जो मैनेजमेंट है उसको इज बीइंग सॉर्ट, उसको सॉर्ट किया जा रहा है, मतलब उसको ट्राई किया जा रहा है टू बी रेगुलेटेड, तो रेगुलेट करने का ट्राई किया जा रहा है किसके द्वारा, बाय द मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, थ्रू का मतलब है किसी चीज़ के जरिए, तो किसके जरिए, अ बिल, तो एक बिल के जरिए इंट्रोड्यूस, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था रिसेंटली, हाल ही में, तो कहाँ पे, इन पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में एक बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था, इंट्रोड्यूस का मतलब प्रस्तुत करना, है ना, तो कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, पार्लियामेंट में रिसेंटली।
Sources in the security establishment say that they are currently reviewing train derailment incidents in the recent past. देखिए sources, source का मतलब होता है सूत्र, जहाँ से कुछ information मिलता है उसको source बोलते हैं, है ना। कोई ये source कोई चीज़ भी हो सकता है और कोई व्यक्ति भी हो सकता है। तो sources मतलब कि सूत्र कहाँ पे, in the security establishment में। security का मतलब होता है सुरक्षा और establishment का मतलब होता है किसी चीज़ का संस्थान। तो जो सुरक्षा संस्थान है वहाँ के जो सोर्सेस हैं उन सोर्सेस ने क्या किया से कहा, मतलब कि वो कह रहे हैं दैट कि दे आर करंटली, कि वो लोग करंटली मतलब कि हाल ही में क्या कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं मतलब कि समीक्षा कर रहे हैं किस चीज़ का, ट्रेन डिरेलमेंट के इंसिडेंट, मतलब कि ट्रेन डिरेलमेंट के जो इंसिडेंट्स हैं उसको रिव्यू कर रहे हैं इन द रीसेंट पास्ट, मतलब कि रीसेंट पास्ट में, मतलब कि हाल ही में, हाल ही के टाइम में जो ट्रेन डिरेलमेंट का जो इंसिडेंट है उसको वो लोग क्या कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। इट मे बी रिकॉल दैट रिसेंटली उत्तर प्रदेश पुलिस हैड अरेस्टेड अ यूथ हु वॉज प्लेसिंग ऑब्स्टिकल्स ऑन रेलवे ट्रैक्स ऑन अगस्त 23 एंड 24। सीमेंट ब्लॉक्स वर डेलिबरेटली प्लेस्ड ऑन रेलवे ट्रैक्स इन एन अटेम्प्ट टू डिरेल अ वंदे भारत ट्रेन इन पाली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। देखिए इट मे बी रिकॉल, तो ऐसा रिकॉल किया जा सकता है, रिकॉल का मतलब है किसी पुरानी घटना है उसको याद करने की कोशिश को रिकॉल करना कहते हैं। तो ऐसा रिकॉल किया जा सकता है दैट कि रिसेंटली मतलब कि हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्या किया था, हैड अरेस्टेड, तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने अरेस्ट किया था किसको, यूथ, तो एक युवा को, हु वॉज प्लेसिंग, जो कि प्लेस कर रहा था, प्लेस का मतलब है किसी चीज को किसी जगह पर रखना उसको प्लेस करना कहते हैं। तो एक जो युवा था हु वॉज प्लेसिंग, जो कि प्लेस कर रहा था, रख रहा था ऑब्स्टिकल्स को, ऑब्स्टिकल का मतलब होता है इस बाधा रोड़ा, है ना, है ना, किसी चीज को लाइक किसी काम को होने से रोकने के लिए लाइक कोई अर्चन डाला जाता है, कोई अवरोध डाला जाता है उसको ऑब्स्टिकल बोलते हैं, है ना। तो ये जो यूथ था ये क्या कर रहा था, प्लेस कर रहा था, रख रहा था ऑब्स्टिकल्स को, कहाँ पे, ऑन रेलवे ट्रैक्स, तो रेलवे ट्रैक्स में ऑब्स्टिकल्स को रख रहा था। अब ऑन अगस्त 23 एंड 24, तो अगस्त 23 और अगस्त 24 को सीमेंट के जो ब्लॉक्स है वर डेलिबरेटली, तो ये जो सीमेंट ब्लॉक्स थे वर डेलिबरेटली, इसको जानबूझकर, डेलिबरेटली का मतलब है कि जानबूझकर प्लेस इसको रखा गया था, कहाँ पे, ऑन रेलवे ट्रैक्स, कि सीमेंट के ब्लॉक्स को जानबूझ के रखा गया था रेलवे ट्रैक्स पे इन एन अटेम्प्ट, और ये क्या था, एक अटेम्प्ट था, अटेम्प्ट का मतलब कुछ करने का प्रयास, तो ये एक अटेम्प्ट था क्या करने का, डिरेल करने का, मतलब कि पटरी से उतारने का, किसको, एक वंदे भारत के ट्रेन को, कहां पे, इन पाली डिस्ट्रिक्ट, तो पाली डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में। On the same day, the फारुखाबाद Express traveling between कासगंज and फारुखाबाद। देखिए on the same day, तो उसी दिन में the फारुखाबाद Express, तो जो फारुखाबाद जो Express है traveling, जो कि travel कर रहा था, between का मतलब है किसी के बीच में, तो कासगंज और फारुखाबाद के बीच में ये जो फारुखाबाद Express है जो कि travel कर रहा था, narrowly avoided a major accident after encountering a wooden log on the tracks। तो ये जो फारुखाबाद एक्सप्रेस है इसने नैरोली का मतलब होता है कि बहुत ही थोड़े या कम मार्जिन से, है ना, मतलब कि आपने वो टर्म सुना होगा बाल बाल बचना, तो उसी के सेंस में नैरोली का यूज़ किया जाता है। तो इस एक्सप्रेस ट्रेन ने क्या किया, नैरोली मतलब कि बहुत ही कम मार्जिन से अवॉइड किया, मतलब कि बचा किस चीज़ से, एक मेजर का मतलब होता है कि बहुत बड़ा जो एक्सीडेंट था उससे क्या किया, नैरोली अवॉइड किया, आफ्टर वंस बाद, तो बाद किसके, इनकाउंटरिंग, तो इनकाउंटर करने के बाद, इनकाउंटर का मतलब होता है गाइस किसी से मुठभेड़ हो जाना, है ना, किसी चीज से सामना हो जाना, उसको इनकाउंटर करना कहते हैं। तो मेजर एक्सीडेंट को अवॉइड किया किसके बाद, एक इनकाउंटर के बाद, इनकाउंटर किस चीज का, एक वुडन लॉक का, वुडन का मतलब है इस लकड़ी का, और लॉक का मतलब होता है गाइस लकड़ी का जो लट्ठा होता है ना, कि देखिए पेड़ का जो बड़ा तना होता है ना उसको काट के रखा जाता है उसको लॉग बोलते हैं, है ना। तो एक वुडन लॉग को इनकाउंटर करने के बाद कहां पे, ऑन द ट्रैक्स, तो ये जो लॉग था, ये जो लकड़ी का जो लट्ठा था वो ट्रैक्स में था, तो इसके लाइक ये जो वुडन लॉग है इसे इनकाउंटर करने के बाद नैरोली क्या किया, अवॉइड किया एक बड़े एक्सीडेंट को। Additionally, authorities are reviewing the Palghar railway incident on May 28, where the derailment of 7 wagons of a goods train was caused by loosened steel coils tied onto the wagons. देखिए additionally का मतलब होता है इसके अतिरिक्त, जो authorities हैं are reviewing, वो review कर रहे हैं, मतलब समीक्षा कर रहे हैं किस चीज़ का, the Palghar railway incident का, जो कि कब हुआ, on May 28 को, उसको review कर रहे हैं। तो where, इसमें
ये जो इंसिडेंट है वेयर द डीरेलमेंट, तो जो डीरेलमेंट हुआ किस चीज़ का, ऑफ 7 वेगन ऑफ गुड्स ट्रेन का। देखिए गुड्स ट्रेन का मतलब होता है मालगाड़ी, और वेगन का क्या मतलब होता है, किसी मालगाड़ी का जो खुला जो डिब्बा होता है उसको वेगन बोलते हैं। तो इसमें जो डीरेलमेंट हुआ किस चीज़ का, 7 वेगन ऑफ गुड्स ट्रेन का, वॉज काउज बाय, तो वो काउज हुआ था मतलब कि वो पैदा हुआ था, मतलब कि डीरेलमेंट हुआ था किस कारण से, काउज बाय, तो ये काउज हुआ था किसके द्वारा, बाय लूजन स्टील कॉइल्स के द्वारा। लूजन का मतलब है ढीला स्टील, देखिए कॉइल का मतलब होता है गाइस किसी चीज़ का गोल गोल जो गुच्छा होता है ना उसको कॉइल बोलते हैं, है ना। तो ये काउज हुआ था मतलब कि डीरेलमेंट किस कारण से हुआ था, काउज बाय लूजन स्टील कॉइल्स, कॉइल से हुआ था। और ये जो कॉइल्स था टाइड या बंधा हुआ था किस चीज़ से, ऑन टू द वैगन्स, तो वो जो डिब्बा होता है उससे यह बंधा हुआ था, तो उस कारण से डीरेलमेंट हुआ। दिस इंसिडेंट रिजल्टेड इन वेस्टर्न रेलवे लॉसेस ऑफ ₹1.5 करोड़ एंड सिग्निफिकेंट ट्रेन डिसरप्शन। देखिए दिस इंसिडेंट, तो ये जो घटना है रिजल्टेड इन, तो इस घटने से रिजल्ट इन हुआ, मतलब इसका परिणाम क्या आया, वेस्टर्न रेलवे को लॉस, यू नो लॉस हुआ कितने का, ₹1.5 करोड़ का लॉस हुआ, एंड सिग्निफिकेंट का मतलब इस अच्छे खासे मात्रा में, तो सिग्निफिकेंट ट्रेन का डिसरप्शन हुआ, मतलब कि ट्रेन के जो लाइक एक्टिविटीज है उसमें डिसरप्शन, मतलब कि उसमें बाधा आया। इन हिज 12-मिनट वीडियो घोरी एडवोकेट्स फॉर एन इस्ती शादी जंग और फिदाइन वॉर अगेंस्ट हिंदू लीडर्स एंड पुलिस। देखिए इन हिस, तो उसके 12 मिनट के वीडियो में जो घोरी है ये एडवोकेट कर रहा है, एडवोकेट का मतलब इस किसी चीज़ को सपोर्ट करना या किसी चीज़ को प्रमोट करने को एडवोकेट करना कहते हैं। तो उसके 12 मिनट के वीडियो में घोरी ने क्या किया, एडवोकेट किया, प्रमोट किया, एडवोकेट किस चीज़ के लिए, फॉर एन इस्ती शादी जंग और फिदाई वॉर अगेंस्ट कांग्रेस खिलाफ, तो किसके खिलाफ, हिंदू लीडर्स के खिलाफ एंड पुलिस और पुलिस के खिलाफ। ही इंकरेजेस मिलिटेंट टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट टैक्टिक्स टू आइडेंटिफाई द मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स टू अटैक दैम। देखिए ही इंकरेजेस, तो वो इंकरेज कर रहा है, मतलब कि प्रेरित कर रहा है किसको, मिलिटेंट्स को, मिलिटेंट कम्युनिस्ट उग्रवादी या लड़ाका, है ना, मतलब कि जो अपने उद्देश्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, तो वो इंकरेज कर रहा है मिलिटेंट, मतलब कि उग्रवादी आतंकवादी को क्या करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए किस चीज़ से, विथ डिफरेंट, तो अलग अलग जो टैक्टिक्स है, टैक्टिक का मतलब होता है इस रणनीति या दांव पेच, है ना, किसी चीज को हासिल करने के लिए, तो वो इंकरेज कर रहा है, प्रेरित कर रहा है मिलिटेंट को एक्सपेरिमेंट करने के लिए डिफरेंट कि अलग अलग टैक्टिक्स से, टू आइडेंटिफाई, ताकि आइडेंटिफाई कर सके द मोस्ट इफेक्टिव, तो सबसे असरदार जो मेथड है, जो उपाय है, मेथड का मतलब लगे किसी चीज़ का, मेथड का मतलब किसी चीज़ की पद्धति, है ना, तो जो मोस्ट इफेक्टिव जो तरीका है, मेथड है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। अब मोस्ट इफेक्टिव मेथड क्या क्या करने का, अटैक दैम, तो उनको अटैक करने का, मतलब कि वो इंकरेज कर रहा है मिलिटेंट को कि वो एक्सपेरिमेंट करे अलग अलग दाव पेचों को, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके सबसे असरदार तरीके को जिससे अटैक किया जा सके देम, कि उनको। घोरी हैज बीन ऑन द रडार ऑफ इंडियन एजेंसीज फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशंस दैट रिवील्ड हिज इन्वॉल्वमेंट इन सेवरल अटैक्स। देखिए घोरी हैज बीन, तो घोरी हैज बीन, क्योंकि घोरी रहा है ऑन द रडार, तो रडार में, देखिए अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के रडार में है तो वो व्यक्ति उस पे नज़र रखे हुआ है ना, या उसके बारे में यू नो सोच रहा है, तो इसको रडार में होना कहते हैं। तो घोरी हैज़ बीन ऑन द रडार, तो ये रडार में है किसके, ऑफ इंडियन एजेंसीज, तो इंडियन एजेंसीज के यू नो लाइक वॉच में है, है ना, फॉलोइंग का मतलब किसी चीज़ के बाद, तो इन्वेस्टिगेशंस के बाद, और ये जो इन्वेस्टिगेशन है दैट रिवील, जिसने रिवील किया था, रिवील का मीन्स खुलासा करना, तो हिज इन्वॉल्वमेंट, तो उसके इन्वॉल्वमेंट को रिवील किया था किस चीज़ में, इन सेवरल अटैक्स, तो कई जो अटैक्स है उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट को, जो इन्वेस्टिगेशन है जिसने रिवील किया था, इसके बाद घोरी क्या है, इंडियन एजेंसीज के रडार में है, मतलब नज़रों में है। द NIA suspect that घोरी is operating, देखिए जो NIA है suspect, वो शक करता है, suspect का मीन संदेह करना, है ना, शक करना, तो suspect करता है that की घोरी is operating, की घोरी जो है वो operate कर रहा है
एज एन ISIS हैंडलर इन इंडिया एंड वॉज इम्प्लिकेटेड इन द रामेश्वरम ब्लास्ट। तो जो NIA है वो सस्पेक्ट करता है कि जो घोरी है वो ऑपरेट कर रहा है एस कमिस के रूप में, ऑपरेट कामिस किसी चीज़ को परिचालित करना, तो एस कमिस के रूप में, तो एक ISIS के हैंडलर के रूप में, कहाँ पे, इन इंडिया, इंडिया में, एंड वॉज इम्प्लिकेटेड, और इसको इम्प्लिकेट किया गया था, इम्प्लिकेट कामिस किसी पे किसी क्राइम का चार्ज लगाना, मतलब कि किसी क्राइम में इन्वॉल्व होने का चार्ज को इम्प्लिकेट करना कहते हैं ना, चार्ज में कि आरोप को। तो ये ऑपरेट कर रहा है एज एन ISIS हैंडलर के रूप में, कहाँ पे, इंडिया में, एंड वॉज इम्प्लिकेटेड, तो इसको इम्प्लिकेट किया गया था इन द रामेश्वरम ब्लास्ट में, क्या किया था, इम्प्लिकेट किया गया था। अकॉर्डिंग टू रिलायबल एजेंसी सोर्सेज द इन्वेस्टिगेशन हैज़ अनकवर्ड दैट घोरी अंडर द गाइज ऑफ ISIS हैज़ बीन इन्वॉल्व इन टेररिस्ट ऑपरेशंस इन इंडिया विथ सपोर्ट फ्रॉम द ISI। देखिए अकॉर्डिंग टू रिलायबल एजेंसी सोर्सेज, अकॉर्डिंग टू समवन और समथिंग का मतलब है किसी के अनुसार, तो जो रिलायबल मतलब जो भरोसेमंद जो एजेंसी के जो सोर्सेज हैं उनके अकॉर्डिंग द इन्वेस्टिगेशन, तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है हैज़ अनकवर, इसने अनकवर किया है, अनकवर का मतलब है किसी छुपे हुए चीज़ को सामने लाना, उसका खुलासा करने को अनकवर करना कहते हैं। तो रिलायबल एजेंसी सोर्सेज के अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टिगेशन है इसने अनकवर किया है, मतलब कि इसने खुलासा किया है दैट की घोरी की जो घोरी है अंडर द गाइज ऑफ, अंडर द गाइज ऑफ समथिंग का मतलब है कि किसी चीज़ के भेस में या किसी चीज़ के आड़ में, तो ISIS के आड़ में या उसके भेस में हैज़ बीन इन्वॉल्व, ये इन्वॉल्व रहा है, शामिल रहा है किस चीज़ में, इन टेररिस्ट ऑपरेशन, तो आतंकवादी ऑपरेशन में, कहाँ पे, इन इंडिया, तो इंडिया में टेररिस्ट ऑपरेशन में ये क्या रहा है, इन्वॉल्व रहा है किस चीज़ के भेस में, ISIS के भेस में, विथ सपोर्ट, तो सपोर्ट के साथ, सपोर्ट कहाँ से, फ्रॉम ISI, तो ISI के सपोर्ट के साथ ये क्या रहा है, टेररिस्ट ऑपरेशंस में ये इन्वॉल्व रहा है। फॉर दीज ऑपरेशंस घोरी हैज़ फोकस्ड ऑन इस्टेब्लिशिंग टेरर मॉड्यूल्स इन दिल्ली, पुणे, महाराष्ट्र एंड केरला, एमिंग टू फंड एक्टिविटीज़ थ्रू क्रिमिनल एक्टिविटीज़ माल ए घनीमत। देखिए फॉर दीज, तो इन सभी ऑपरेशंस के लिए, फॉर दीज ऑपरेशन, तो इन सभी ऑपरेशन के लिए घोरी हैज़ फोकस्ड ऑन, तो घोरी ने फोकस ऑन किया है, मतलब कि फोकस किस चीज़ पे किया है, इस्टेब्लिश करने पे, मतलब कि स्थापित करने में, क्या चीज़ को, टेरर मॉड्यूल्स को, कहाँ पे, इन दिल्ली, तो दिल्ली में, पुणे में, महाराष्ट्र में एंड केरला में, एमिंग टू, तो एम टू करते हुए, एम टू का मीन्स किसी चीज़ का लक्ष्य बनाना, तो इसका एम क्या है, लक्ष्य क्या है, फंड करने का, किस चीज़ को, एक्टिविटीज़ को, थ्रू का मीन्स जरिए, तो किसके जरिए, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के जरिए, माले गनीमत, ये शायद क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का कोई नाम होगा, है ना, तो इसके जरिए। हिज गोल इज़ टू पोर्ट्रे दीज एक्टिविटीज़ एज पार्ट ऑफ अ होम ग्रोन एंड सेल्फ रेडिकलाइज नेटवर्क। घोरी इज नोन टू यूज वेरियस एलियसेस इंक्लूडिंग अबू सुल्तान, अबू सुलेमान, मोहम्मद एट भाई, अबू सूफिया, सरदार साहेब एंड फारू, मेकिंग हिम अ नोटेबली एनिग्मेटिक फिगर इन द शेडोई वर्ल्ड ऑफ टेररिज्म। देखिए हिज गोल, तो उसका जो गोल है इस वो है टू पोर्ट्रे, तो पोर्ट्रे करने का, पोर्ट्रे का मतलब है किसी चीज़ को दिखाना, प्रदर्शित करना, तो उसका गोल क्या है, पोर्ट्रे करने का है, मतलब दिखलाने का है, दीज एक्टिविटीज़, तो इन सभी एक्टिविटीज़ को दिखलाने का है, एस कम इसके रूप में या के तौर पर, तो एक पार्ट के रूप में, मतलब एक हिस्से के रूप में, अब हिस्सा किस चीज़ का, होम ग्रोन एंड सेल्फ रेडिकलाइज नेटवर्क के हिस्से के रूप में। होम ग्रोन का मतलब होता है जो किसी देश में ही पैदा होता है, तो होम ग्रोन और सेल्फ रेडिकलाइज, मतलब खुद से रेडिकलाइज हुआ, रेडिकलाइज का मतलब कट्टर बनना है ना, तो खुद से रेडिकलाइज हुआ या होम ग्रोन नेटवर्क के रूप में दिखलाने का उसका गोल है, मतलब कि इन सभी एक्टिविटीज़ को उसका गोल क्या है कि दिखलाना है इन सभी एक्टिविटीज़ को किस चीज़ के रूप में, एक हिस्से के रूप में, कि ये क्या है, होम ग्रोन और सेल्फ रेडिकलाइज नेटवर्क है, ऐसा उसका गोल है इसको पोर्ट्रे करने का। घोरी इज़ नोन, तो देखिए घोरी इज़ नोन, तो घोरी को जाना जाता है टू यूज़, तो यूज़ करने के लिए, वेरियस का मतलब होता है कई या अनेक, जो एलियसिस है, एलियस का मतलब होता है इस फर्जी नाम, तो घोरी को जाना जाता है बहुत सारे एलियसिस को यूज़ करने के लिए, फर्जी नाम को यूज़ करने के लिए, इंक्लूडिंग, जिसमें इंक्लूड क्या है, अबू सुल्तान इंक्लूड है, अबू सुलेमान इंक्लूड है, मोहम्मद एट भाई इंक्लूड है,
अबू इंक्लूड है, अबू सूफियां, सरदार साहेब एंड फारूक, तो ये सभी क्या है, इंक्लूड है उसके अलियासेस में, फर्जी नाम में। मेकिंग हिम, तो ये सभी उसको मेक करते हैं, बनाते हैं अ नोटेबली में एक विशेष रूप से एनिग्मेटिक फिगर बनाते हैं। एनिग्मेटिक का मतलब होता है कि इस रहस्य भरा या पहली नुमा है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा रहस्य हो, ऐसा फिगर बनाते हैं इसको, मतलब कि फिगर का मतलब व्यक्ति, तो एक रहस्यपूर्ण व्यक्ति बनाते हैं ये सभी एलिसिस को यूज़ कर, यू नो वो यूज़ कर रहा है, तो उसको ये क्या बनाते हैं, एनिग्मेटिक फिगर बनाते हैं। किस चीज़ में, इन द शेडोई वर्ल्ड ऑफ टेररिज्म, तो आतंकवाद के जो शेडोई वर्ल्ड में उसको ये सभी क्या बनाता है, एनिग्मेटिक फिगर बनाता है, लेकिन रहस्य भरा एक व्यक्ति बनाता है ये सभी नामे, है ना, जितने भी एलिसिस है वो। सो दिस इज़ द न्यूज़ गाइज, आई होप यू अंडरस्टूड, अगर आपको समझ आया हो देन डू थम्स अप एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल विच इज चंदन करे, आई बी मेकिंग सच काइंड ऑफ कंटेंट इन फ्यूचर, सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।